नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आई फ्लू जिसको हम कंजक्टिवाइटिस बोला जाता है, यानी आँख आना। अब ये बहुत संक्रामक तरीके से जो है वो बढ़ गया है, बहुत सारे लोगों में देखा जा रहा है। तो अगर आपकी आँख आ जाती है तो आपको करना क्या है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैं इससे गुजर चुका हूँ। देखिए, अगर किसी की भी घर में अगर आँख आती है जिसको हम आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस बोला जाता है, यानी वो हमको पता चल जाता है, आँख जो है वो सवेरे चिपक जाती है, लाल हो जाती है, दर्द महसूस होता है। और सबसे बढ़िया बात ये होती है, बड़ी बात जो है वो होती है कि गले से निगलने के लिए कोई भी चीज़, गले में बहुत ज़्यादा पेन होता है, हम कोई भी चीज़ जो है निगल नहीं पाते, पानी भी जो है वो निगलेंगे तो आपको पेन होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, डायरेक्टली कोई भी चीज़ नहीं सोचना है और आई स्पेशलिस्ट जो है वो उसके पास जाना है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर में होम रेमेडीज़ करके ट्राई दिखेंगे, अगल बगल वाला जो डॉक्टर है उसके पास जाएंगे, उसमें टाइम पास करेंगे। तो अगर आपका ज़्यादा वक्त इसमें गुजरता है तो कुछ भी ठीक नहीं होता, क्योंकि ये टाइम पास होता है। क्योंकि मैं खुद आपको स्टोरी भी बताऊँगा हुआ क्या था। तो अगर आपके घर में किसी की भी आँख आ जाती है तो आपको देर नहीं करनी है, तुरंत आई स्पेशलिस्ट के पास जाना है। मैं आई स्पेशलिस्ट की बात कर रहा हूँ, कोई भी डॉक्टर के पास, नॉर्मल डॉक्टर के पास जाने के बजाय एक आई स्पेशलिस्ट के पास जाइए, आपको तुरंत जो है वो फ़ायदा होगा। कोई कहता है कि ये कर दो वो कर दो, ये बिल्कुल चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो आपकी आई जो है वो डैमेज हो सकती है। देखिए, सबसे पहले मेरे घर में मेरा 6 साल का बच्चा है, उसकी जो है वो उसको आई फ्लू हुआ था, यानी कंजक्टिवाइटिस हुआ, उसकी आँख आ गई। तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा और जो है वो आई स्पेशलिस्ट के पास लेके गया, अगले ही दिन वो ठीक हो गया, उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं गई। उसके बाद बीबी की आँख आई तो उसको भी दवाखाने में लेके गया आई स्पेशलिस्ट के पास, वो भी जल्दी क्योर हो गई। अब मैं एलोपैथी मेडिसिन लेता नहीं हूँ, मेरी भी आँख आई तो मैंने जो है वो अगल बगल जो भी बाकी की पैथी होती है उसको ट्राई किया, होम रेमेडीज ट्राई किया। 7 दिन तक मेरी आँख इतनी ख़राब हो चुकी थी कि आप सोच नहीं सकते, गला भी जो निगलने के लिए बहुत दिक्कत जा रही थी। उसके बाद मैं फिर जो है वो आई स्पेशलिस्ट के पास गया, 3 दिन लगे, उसके बाद क्योर हो चुका। तो ये वीडियो बनाने का मकसद इतना ही है कि फालतू की चीज़ें मत करो, कोई भी ऐसी होम रेमेडीज फालतू की चीज़ें करने में अपना टाइम जाया मत करो। जैसे ही आपको पता चलता है कि मेरी आँख आ गई है, जल्द से जल्द जो है वो आई स्पेशलिस्ट के पास जाइए, वो डॉक्टर आपको दवाई देगा, बहुत सा जितनी दवाई देता है उतनी पूरी की पूरी दवाइयाँ लेके आइए, पूरी दवाइयाँ मेडिसिन अच्छी तरीके से लीजिए, जो ड्रॉप बोले गए हैं वो ड्रॉप अच्छी तरीके से डालने की कोशिश कीजिए, फालतू की चीज़ें के चक्कर में मत पड़िए। आप जल्द से जल्द दो तीन दिन में बिल्कुल जो है वो ठीक हो जाएगी। ये वीडियो बनाने का मकसद इतना ही था कि आप जल्द से जल्द आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं और होम रेमेडीज या बाकी चीज़ें ट्राई ना करें, ठीक है। वीडियो हेल्पफुल रहा एक लाइक ज़रूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।